कर लिया हमने सब कुछ। कर रहे हैं चेन साधन साफ हमारी। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। तो यार हमारी चेन टूट गई, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। अब टूट गई मतलब निकल गई, ये देखो जरा, ये देखो। ओ भाई थोड़ा पैर का ध्यान रखो। अभी हम अपना सामान उतार रहे हैं क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो गया सारा, और साथ में हमारी अभी चेन भी निकल गई थी हमारी, तो मतलब फट गई थी यार सीधी लिटरली जो बात है। हमने सोचा चेन टूट गई और हम गए यहाँ पर टूटी, और हमने धक्का दे के यहाँ तक लाई बाइक, और बहुत मुश्किल से अभी लगाई वापस। चेन लग गई बट दिखाता हूँ मैं आपको कितनी ढीली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप। तो अब तो ये तो बहुत बड़ा सीन है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, आगे जाएं या फिर पीछे जाएं। तो अभी पहले सामान ढंग से करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो यार देख सकते हो आप लोग, मतलब गलत ही व्यू है। देखो इधर देखो आप वेदर क्या हो रहा है, और इधर देखो पहाड़ियाँ ये वाली। मतलब यार मुझे नहीं पता कि वीडियो में कितनी अच्छी दिख रही होगी। और रोड देखो आप, बहुत ही खतरनाक रोड है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। सेम नाम है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी यही नाम है। और व्यू को गाइस एंजॉय करो यार, आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया हमारा। अगर मैंने अभी तक ये बात छेड़ी नहीं तो गाइस हमारी चेन खुल गई थी, हमें लगा टूट गई और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं मैंने उस टाइम शायद वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, मुझे तो याद भी नहीं है। तो यार मतलब ऐसा कुछ ऐसे नहीं, यहाँ पर जो भी है अभी मैंने बाइक भी बंद कर दी है बिकॉज़ यहाँ पर पेट्रोल भी यू नो बहुत महंगा है। और मतलब यहाँ से ये देखो आप, ये आप कॉर्नर पे चल रहे हो, यहाँ से नीचे गए तो फिर गए, मतलब गए तो गए, और फिर थोड़ा इसी साइड चलना चाहिए। अगर आप मतलब लोकल नहीं हो, मतलब हिमाचल से नहीं हो आप, लेकिन कहीं भी बाहर से हो, तो मतलब मेरे वैसे तो खैर हिमाचल से भी और पहली बार आ रहे हो हमारी तरफ, तो इस तरफ चलने से मतलब फ़ायदा है। बट हमारे मेरे गाँव में, मेरा गाँव में तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रोड हैं, अच्छे मेरा मीन्स कहने का, इससे तो बहुत ही गंदे हैं, ये तो फिर भी बहुत अच्छा रोड है। और जो पीछे जो वाटर क्रॉसिंग थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी खतरनाक थी। और ये देखो यार यहाँ पर व्यू देखो, वाह क्या व्यू है, मतलब मुझे मतलब इतना अच्छा व्यू है कि मतलब मैं कभी अपनी वीडियो में लाइक इतनी लंबी वीडियो चलाता भी तो कभी नहीं हूँ, और इतनी बातें तो मैं कभी नहीं करता हूँ। और आप देख लो कि मैं भी इतनी बातें कर रहा हूँ। और नीचे देखो आप, मतलब नीचे ऊपर दाएं बाएं, और ये लाइक ये जो है यू नो गंजे गंजे पहाड़, वाह पेड़ों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। तो अभी तक लाइक हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई तो नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या रहता है अपना। और बाकी यार थोड़ा सा पता नहीं कल बारिश में लाइक मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा भीग गया था, उसमें भी पानी चला गया है। शुक्र है अपना कैमरा ठीक चल रहा है, बाकी जो है अपना सिस्टम ठीक ही चला हुआ है। हाँ क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, मतलब गलत ही व्यू है, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ यार। इसको मैं काटूंगा नहीं, वीडियो में पूरी बनाऊंगा, पूरी लास्ट तक, चाहे दो पार्ट बनाने पड़े, तीन बनाने पड़े, बट ये वीडियो में काटूंगा नहीं। और तुम सारे पार्ट देखोगे गाइस, है ना, कमेंट करो। और क्या सेक्सी रोड है, और देखो इतना बढ़िया रोड है कि हम 35 पे चल रहे हैं, मतलब न्यूट्रल में। वाओ गजब 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 गजब, ये वर्थ है यहाँ पर आना, ये देख के लगता है कि वर्थ है आना। आप नीचे क्या देख रहे हो, हैंडल मेरे बाइक पर, ये ऊपर देखो यार रोड है भाई। बस मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप यहाँ पर आओ तो ये मतलब बहुत ही मतलब ज़रूरी बात है, बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी चेन टाइट करवा के ज़रूर आओ, ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मनाली में लाइक चेक करवा लो, आपको पता है 40-50 रुपये लगते हैं जब आप आ रहे हो, तो एक बार ज़रूर चेक करवा लो, है ना।
और अगर आपने काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं करवाई अपनी बाइक की और आपके पास मतलब लाइक हमारे पास तो वैसे फ्री सर्विस थी, अभी हमने करवाई हुई भी थी तो अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी करवाने की सर्विस, तो फिर हमने नहीं करवाई और आ गया थोड़ा सा कच्चा रोड। तो वैसे सर्विस का निशान आ रहा है लेकिन ये लाइक घर जाके हो जाएगी, अभी फ्री सर्विस है नो प्रॉब्लम। बट ये अगर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम से सर्विस नहीं कराई लाइक 2-3-4 हज़ार किलोमीटर से, तो मेरे ख्याल से आपको करवा लेनी चाहिए यहाँ आने से पहले, यहाँ लाइक गलत ही सीन है थोड़ा सा। तो बहुत सारी बातें हैं, हर कहीं करने का मन नहीं करता है ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ। और जूते मेरे पूरे भीगे हुए हैं लाइक मुझे फुल ठंड लग रही है, बट यू नो बर्थ है इतनी ठंड कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे अभिषेक भाई बिल्कुल शांत बैठे हैं ठंड में से सिकुड़कर कहना अभिषेक भाई का फटी पड़ी है बिल्कुल क्लियर बात, जो कि आप भी घर में बोलते हो, सबके सामने नहीं बोलते सब। ये शायद मैं भी पुराना रोड है पल्ली तरफ, तो ये रोड शायद गिर गया है तो इस बार इस तरफ से बनाया रोड मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ 6-7 महीने तो लाइक स्नो ही रहती है, तो ये आपको दिख रहा होगा अगर हल्का हल्का सा पल्ली तरफ रोड तो बंद है। बाकी अभी हमें थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है और शुक्र है बारिश ऊपर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हम मतलब लाइक 2 दिन से भीग ही रहे हैं तो यू नो बहुत अच्छा लग रहा है हमें ऐसा मौसम देख के। तो आपका ना तो नहीं पता घर बैठ के आपको कैसा मौसम की जरूरत है, पोंटा वाले भाइयों वहाँ से निकलते हुए तो हमें भी ऐसा लगा था कि आज ठंडी जगह पहुँच जाए, लेकिन यू नो यहाँ आने के बाद वाओ ओ ब्रो व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस व्यू ओम ओम गजब जहर खत्म फिनिश टाटा बाय बाय यू नो लाइक शेयर सब्सक्राइब यू एवरीथिंग यू वांट कमेंट में लाल दिल हरे दिल काले दिल पीले नीले और मोस्ट इम्पोर्टेंट सफ़ेद दिल, मैं देखूंगा कौन देगा मुझे अपना दिल, ज़रूर देखूंगा। तो प्लीज़ मैं तो बस स्ट्रिंग दूंगा, अभिषेक बोल रहा है मैं तो स्ट्रिंग दूंगा, ओ लाइक इसको पता है कि क्या पसंद है मेरे को, यू नो स्ट्रिंग लवर को तो कुछ भी पी सकते हैं बट यार हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए अल्कोहल एंड ऑल दैट सिगरेट बीड़ी, आप ऐसी जगह पे आ रहे हो वैसे ऑक्सीजन लेवल कम है और आप पहले खुद को खोखला कर रहे हो, तो मतलब लाइक ऐसा नहीं है कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं छोटी मोटी ड्रिंक करते हैं हल्का फुल्का, तो ऐसा नहीं बॉडी के लिए अच्छी होती है किसी को सूट करती है, बट मेरे ख्याल से अगर आप कर सकते हो अवॉइड तो ये चीज़ें अवॉइड करा करो, ऐसी व्यूज ऐसे व्यू को देखा करो और उन पैसों को लाइक सेव किया करो, हमारे ना निकल जाया करो बाइक लेके अपनी गाड़ी लेके यू नो साइकिल लेके, अगर आपने कल देखा होगा हमारे फ्रेंड को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव फर्क पड़ता है कि आपके दिल में क्या जज्बा है। आप बस से भी आ सकते हो, मनाली आओ मनाली से काजा की बस पकड़ो, आपका सब कुछ बजट लाइक आपको मनाली जहाँ से भी आप देखो मेरे को ये तो नहीं पता आप कहाँ से हो, बट अगर आप मनाली तक का आप अपने हिसाब से काउंट कर लो कितना किराया है ऑनलाइन या चार टीसी डाल के गूगल पे चेक कर लो, और फिर मनाली के बाद मे भी 500 से ज़्यादा तो नहीं होगा किराया, मुश्किल से 500-120 किलोमीटर है तो बहुत ज़्यादा है ये भी 500, तो मतलब आप मान लो कि आप सिर्फ 1000 रुपये में आना प्लस जाना दोनों कर सकते हो और 500 रुपये में आपको स्टे भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये में आप ऐसे व्यू का लुत्फ उठा सकते हैं। ना बस आती है यहाँ पर प्रॉपर, नहीं भी आती तो वो छोटे छोटे जहाँ तक बस आती है उसके बाद छोटे ट्रैवलर चलते हैं, फुल चलते हैं फुल गाइस यू नो, लेकिन वही अक्टूबर से पहले और अप्रैल के बाद इसके बीच में 5-6 मंथ है जो इसी के बीच में है, सेप्टेम्बर में आए तो सबसे बेस्ट रहेगा मे भी, अभी थोड़ा सही रहता है, बाकी आप अपने हिसाब से आ सकते हो बजट या बनता है आपका यू नो, ऐसे भी आ सकते हो जैसे हम लोग आए उधार उधर करके ओह ये कैसा राज खोल दिया मैंने, अपनी जनता है कोई दिक्कत नहीं है अपने भाई लोग हैं। तो यार मैं इसके बहुत सारे एपिसोड निकालूंगा क्योंकि ब्लॉग ही इतना अल्टीमेट है, मेरे को कहीं से कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मैं बोली जा रहा हूँ समझ रहे हो ना क्यों बोली जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो होने वाली है ये, बट जो भी है ये देखो आपके सामने है, अब व्यू अच्छा है तो हम भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर आप घर में बैठ के इंजॉय करो व्यू को, एक करो तो सही। देख सकते हो आप कुछ अलग ही किस्म का घोड़ा है ना, ये घास है
पे देख रहा हूँ कि बेचारा खा क्या रहे हैं। तो एक और छोटा सा पुल, बाइक मांगती है पहला घेर। हाँ ये समझ रहे हैं ना, ओ भाई लकड़ी वाला पुल, ओ भाई बहुत बड़ा गड्ढा था इसमें, गए टूटने वाला ये पुल भी मेरे ख्याल से। यार मेरे ये देखो ना यार, आप अभी भी यहाँ पर स्नो है, अगर आपको दिख रही होगी तो, जब अभी भी यहाँ पर स्नो है तो आप मतलब समझ ही सकते हो कि इस मौसम में भी स्नो है। और ये स्नो मतलब लाइक लास्ट मार्च की होनी गिरी हुई, और ये अभी तक मतलब मेल्ट नहीं हुई है ढंग से। तो यार वही है, बाकी मंथ में क्या हाल होता होगा आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। तो यार हमारी चेन टूट गई, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, अब टूट गई मतलब निकल गई, ये देखो ज़रा, ये देखो। तो ऐसा सीन है, और हम चले में हैं अभी, लगाता हूँ मैं इसको, देखो कैसे लगाऊंगा। पकड़ियो अभिषेक, हाँ पकड़ी जरा, तो मतलब ऐसे कुछ है। अब मैं बाइक चलाऊंगा आगे हल्की सी, अभिषेक पकड़िया, ऐसे चल चल जाएगी, बस बस चढ़ गई चढ़ गई, अरे चढ़ चुकी है, हाँ। तो ऐसे चले गए गाइस हम जुगाड़ पे। तो यार वी आर इन काजा, पहुँच चुके हम, टाइम हो गया लाइक 7:30-8 बज गए। तो वी आर इन स्पीति, ऐसा कुछ है देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये लाइक कुछ है मंदिर मोनेस्ट्री, क्या बोलते हैं इन्हें, बुद्धा के। तो सुबह दिखाएंगे आपको, फोटो खिंचाएंगे यहाँ पर बढ़िया। चल भाई मुझे अभी हमें कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है। तो गाइस हमने आप बाइक लगा लिया, हमने किसी एक लोकल से पूछा, और ये नीचे देख सकते हैं आप काजा वैली, बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। और अभिषेक इतने खुश हैं, और यहाँ देख लो फ्लैग, यही टेंट लगाएंगे हम। अभिषेक भाई आज बोले मैं बोलूँगा, वैसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ वीडियो में। अभिषेक ब्रो इतनी इतनी मुसीबतों के बाद काजा पहुँचे हैं यार गाइस, मतलब 600 किलोमीटर, 600 कितने किलोमीटर हो गया देख जरा, 579 बोला था मैंने, देख सकते हैं आप 579। बंद कर दे भाई, ठंडी जगह कोई दिक्कत नहीं है यार। तो गाइस हम आप टेंट लगाएंगे यहाँ पर, बाकी सब बातें सुबह करेंगे, इतने अच्छे फ्लैग हैं आप, ये देखो जरा चेन मतलब बिल्कुल ख़त्म है बिल्कुल, ये देखो। पर गाइस इसने हमें यहाँ पहुँचा दिया, शुक्रिया शुक्रिया यार। तो बस सुबह करेंगे बाकी बातें। तो यार चलते हैं फिर, पैकिंग वगैरह कर लिया हमने सब कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग, अभिषेक भाई हमारे जैकेट वगैरह पहन लें, ऐसा कुछ पैकिंग अप कर लिया। अब हम जाएंगे के मोनेस्ट्री, हमने यहाँ पर ये जो मॉन्क है इनसे पूछा है अभी, तो ये नीचे पेट्रोल पंप है यहाँ पर, देखते हैं थोड़ा सा फ्यूल अप भी कराएंगे, बाकी ऐसा कुछ है ये, ठीक है। तो ये भी लाइक काजा में आता है, अभी अभी मैंने इनसे पूछा मॉन्क से यहाँ पर, तो ये भी काजा का है, बाकी वो मोनेस्ट्री पीछे है वहाँ पर जाएंगे हम, ऐसा कुछ है यहाँ पर भी। तो टैक्सी निकलते हैं फटाफट, चलते हैं हम लोग। तो रेडी अभिषेक, लेट्स गो, चलते हैं ब्रो, हेलमेट वेलमेट लगाते हैं और लेट्स गो, निकलते हैं फटाफट।